सिर्फ चार होंगे, फिर उत्तर ही नहीं आएंगे आपके। माननीय मंत्री महोदय, अरे बैठिए। हाँ माननीय मंत्री महोदय, आप बोलिए। माननीय मंत्री महोदय, आप बोलिए, आप बैठिए। आपका प्रश्न नहीं है। मैं अत्याचार नहीं कर रहा। प्रश्न संख्या एक, निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों हेतु योजनाओं का विवरण प्रशिष्ट एक पर संलग्न है, ऐसी 13 योजनाएं। प्रश्न नंबर दो का जवाब है जी नहीं। मंडल कोष से शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में हित लाभ के रूप में आवेदकों को कुल रुपये 157.63 करोड़ का हित लाभ दिया गया है। पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि विगत 5 वर्षों में और विधानसभा में कितने अविवाहित बेटियों को प्रोत्साहन हेतु 55,000 रुपये दिए गए? माननीय मंत्री जी, इसमें शुभ शक्ति योजना है इन बालिकाओं के लिए जिनको संबल दिया गया है, और टोटल जो रजिस्ट्रेशन हर 13 योजनाओं का हुआ है, जो 13 योजनाएं जिनसे लाभान्वित किया जाता है, वो 32.63 लाख का हुआ है। ये सीधा सीधा आंकड़ा इनको, विशेषकर शुभ शक्ति को कितना दिया गया, ये माननीय सदस्य को मैं सूचित कर दूंगा। लेकिन शुभ शक्ति योजना में करीबन 2.46 लाख आवेदन आए थे, तो उसमें शिकायतें मिली थी। 2022 में शुभ शक्ति योजना के 2.28 लाख आवेदन लंबित थे, इनको वेरीफाई किया जा रहा है, और वेरीफाई किया गया तो 92,000 आवेदन गलत पाए गए। तो शुभ शक्ति योजना के फर्जी आवेदन बड़ी संख्या में आने के कारण उनकी वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी मैं आपको संख्या की अवगत करूंगा। ये आपका प्रश्न नहीं है, आपका नहीं है। आप बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य और माननीय सदस्य, किसी जिसका पूरा प्रश्न है वही केवल 2 पूरा प्रश्न पूछेगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, आप पीड़ा मंत्री से मिलकर करिए। अगला प्रश्न कोई है क्या पूरक? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है, मुझे विश्वास है कि जो 5 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में अविवाहित बच्चों के विवाह के समय प्रोत्साहन राशि नहीं दी थी, मुझे विश्वास है कि आगामी समय में इस योजना को जरूर देंगे। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण राम, इनका जवाब दे दूं? नहीं, हो गया आपका आगे प्रश्न उत्तर। श्री लक्ष्मण राम।